हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवीटी व्लॉग। और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ये धर्मशाला, मैक्लोडगंज और जीपी की ये ट्रैवल सीरीज। तो इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ बीकानेर से लेकर पठानकोट तक का सफर, और पठानकोट से धर्मशाला और मैक्लोडगंज, और धर्मशाला से जीपी तक का हमारा पूरा ये सफर। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस सीरीज में, देखिएगा चारों एपिसोड इस सीरीज के। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। आज मैं पहुंच गया हूँ बहुत ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जीपी में। आज मैं पहुंच गया हूँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज में। किसी भी ट्रिप पे जाने का सबसे पहला स्टेप होता है पैकिंग। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस ट्रिप की पैकिंग। सारा सामान मैंने अपने पीछे यहाँ बेड पे इकट्ठा कर लिया है। ये मेरा व्लॉगिंग छोटा सा सेटअप, ये मेरे नी एल्बो पैड्स और ग्लव्स और बैग, और बाकी का ये सारा सामान, कॉस्मेटिक किट और जो भी मेडिकल किट है और रेनकोट, काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान मैंने ले लिया है। स्टार्ट करते हैं अभी ये पैकिंग। बाइक ट्रिप पे जाने का सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि अपने पास अवेलेबल सबसे छोटे बैकपैक में अपने ज़रूरत का सारा सामान एडजस्ट करना, ताकि सारा सामान फिट भी हो जाए और कुछ मिस भी ना हो। तो फर्स्ट स्टेप जो कि है पैकिंग अब हो चुकी है मेरी रेडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब ये जर्नी। मैं पहुंच गया हूं बीकानेर के रेलवे स्टेशन पे, और ये हमारी गाड़ियां हो रही है अब यहां पर पैक, और फिर हम कर देंगे इनको लोड ट्रेन में। और अगर आप भी अपनी गाड़ियों को अगर इंडियन रेलवे के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आसानी से भेज सकते हैं, और इसके लिए केवल आपको अपनी गाड़ी की RC, इंश्योरेंस और एक अपना ID प्रूफ लेकर रेलवे स्टेशन जाना होगा, जहां आप अपनी गाड़ी बुक आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारा बीकानेर से पठानकोट का इस गाड़ी का बेजिंग का फेयर लगा करीब 1100 रुपये। तो अभी हम पहुंच गए हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन, और गाड़ियां करा दी सुबह ही लोड दूसरी ट्रेन में। अभी हमको करनी ये ट्रेन बोर्ड, और अब हम सबसे पहले पहुंचेंगे पठानकोट और वहां से शुरू करेंगे अपनी आगे की ये ट्रिप। तो आइए चलते हैं पठानकोट। तो फाइनली अब पहुंच गए हैं हम पठानकोट जंक्शन, और सबसे पहले छुड़ाते हैं हम अपनी गाड़ियाँ और फिर चलते हैं आगे। अब हम निकल पड़े हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन से, और अब निकल रहे हैं धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला की दूरी केवल यहाँ से 85 किलोमीटर्स की है। टाइम हो रहा है अभी 5, और करीब करीब हमें लगेगा 3 से 3.5 घंटे का समय लगेगा धर्मशाला पहुँचने में, क्योंकि प्लेन रास्ता नहीं है, काफ़ी हिली एरियाज भी आएंगे बीच में। तो करीब करीब हम मान रहे हैं 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। और भाई, हम तो आए हैं राजस्थान से, डेजर्ट एरिया से, और यहाँ आते ही यहाँ की ग्रीनरी देखकर बिल्कुल हमारा दिल ग्रीन ग्रीन हो गया है। चारों तरफ खूबसूरत अच्छे ग्रीन पेड़ ही पेड़ हैं, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।
तो अभी तक हम चल चुके हैं केवल 26 किलोमीटर और 1 घंटे का समय हो गया हमें निकले में। ग्रीनरी तो चारों तरफ है ही, लेकिन यार गर्मी अभी भी बहुत है। गर्मी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। धर्मशाला पहुँच के कुछ राहत मिली, लेकिन अभी तो यार पठानकोट में बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी थी। और रोड की कंडीशन तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, और आज थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, तो लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से धर्मशाला और डलहौजी। डलहौजी भी यहाँ से नज़दीक ही है, केवल 80-85 किलोमीटर ही है पठानकोट से, तो काफ़ी लोग वीकेंड पे भी जा रहे हैं डलहौजी और धर्मशाला। और मेरे साथ चल रही है 2 और अभी बाइक्स, तो टोटल हमारे 3 बाइक हैं और हम टोटल जने हैं 5। मैं मिलाऊंगा आपको भी उन लोगों से जो मेरे साथ इस ट्रिप पे और इस टूर पे चल रहे हैं। हर स्टेट की है ना अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। हमारे राजस्थान की अलग ही खूबसूरती है और हिमाचल प्रदेश की अलग ही खूबसूरती है। लास्ट टाइम हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ तो अलग ही नज़ारे हैं। तो यार यहाँ के जो ये हरे भरे नज़ारे मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार। और दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, नए शहर में अपनी खुद की बाइक चलाने का मज़ा ही यार और कुछ होता है। तो इसलिए बहुत ही पसंद है मुझे अपनी बाइक चलाना इस ऐसे पहाड़ों के बीच दूसरे नए नए शहरों में, इसलिए मैं हमेशा अपनी खुद की बाइक साथ लेके आता हूँ। तो पठानकोट से अब हम आ गए हैं 56 किलोमीटर आगे और एक अभी छोटा सा लिया है टी ब्रेक, और यहाँ से अब रह गया है धर्मशाला केवल 30 किलोमीटर। रास्ता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमको रास्ते में देखने को मिले। अब एक लेते हैं छोटी गर्मा गर्म चाय और चलते हैं फिर आगे। तो पी लिए यार गर्मा गर्म चाय और अब हम थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं धर्मशाला के लिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा काफ़ी लंबा स्टॉप ले लिया यहाँ पर और हम सोच रहे हैं थोड़ा अंधेरा होने से पहले धर्मशाला पहुंच जाएं कैसे भी करके। तो चलते हैं अपने वापस से इस सुहाने सफ़र पे इन हरे भरे नज़ारों के साथ। तो ये है रास्ते पठानकोट से धर्मशाला के, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छे रास्ते हैं और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो सूर्य देवता भी अब धीरे धीरे हो रहे हैं अस्त और समय हो रहा है अभी करीब 7:15-7:30 बज रहे हैं, और धर्मशाला भी और रह गया है यहाँ से 25 किलोमीटर। पहाड़ों के बीच में जो छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं ना, तो यार ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं मुझे तो। और अभी अभी हमारे सामने एक छोटा सा गांव भी आ रहा है, पहाड़ों के बीच, हरियाली के बीच, नदी किनारे, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है ये गांव भी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं धर्मशाला। पठानकोट से पूरे 3.5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं धर्मशाला, और अभी हमने रूम ले लिया है होटल हॉली लैंड में। रूम काफ़ी अच्छा और अच्छे प्राइस पे हमको मिल गया है। मैं रूम आपको दिखा देता हूं अभी। तो यार ये रूम अभी हमने ले लिया है होटल हॉली लैंड में, और ये काफ़ी अच्छा सा रूम, 3 बेड का ये रूम हमें मिल गया 1400 में केवल। हम गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं ग्रिल एंड शाउट में। तो अभी तक ले इतना ही इस एपिसोड में, बने रहेगा इस सीरीज़ में। हम नेक्स्ट एपिसोड में घूमेंगे लोकल धर्मशाला और मखलौड़गंज। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स को। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।